तो बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य को लूटा। प्रदेश में आज हर तरह के माफिया। रायपुर में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे और यहां उन्होंने एक सभा में संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोनों पार्टियों ने प्रदेश को लूटा है। आम आदमी पार्टी बच्चों का भविष्य बनाने वाली पार्टी है। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया जैसे एक साधु आदमी को इन लोगों ने जेल में डाल दिया। 5 साल के भीतर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार किया और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 40% कमीशन वालों को जेल में नहीं डालेंगे। मोदी जी का एक मुंह बोला भाई है, जंगल भी अडानी को दिया जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा कि हम माफिया को खत्म कर देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन सिंह की सरकार के समय भ्रष्टाचार होता था, प्रदेश में हर तरह के माफिया हैं। हमें प्रदेश में एक मौका दो, हम माफिया को खत्म कर देंगे। अगर आपको 0% कमीशन की सरकार चाहिए तो आपको लाइए। दिल्ली में हमारी सरकार ने 5 साल में शानदार स्कूल बनाए हैं।